हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपास मैजिकल किचन। तो देखिए, हम आज बनाएंगे ये सुपर सॉफ्ट टेस्टी स्पंजी मिनी मिनी छोटू छोटू केक, वो भी हमारे घर के बर्तनों में, जिसके लिए हमें कोई भी अलग बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खाने में भी टेस्टी है और देखने में तो बहुत है ही सुंदर। आप चाय के साथ भी ले सकते हो, नाश्ते में भी इसको बनाकर खा सकते हो। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ये स्टील की छोटी छोटी कटोरियाँ, और ये मैंने लिया है एक स्टील का ही टिफिन। तो देखिए, इसको हम पहले अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा जो बैटर है इसमें ना चिपके और आराम से डीमोल्ड हो जाए। तो इसको देखिए, हमने ऑयल लगा दिया है। अब मैंने ये नॉर्मल सा एक और शीट पेपर काट के इसमें डाल दिया है, और हर बर्तन में हम ऐसे ही छोटे छोटे काट कर डाल देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें मैदा डालकर इसको डस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब पेपर के ऊपर दोबारा से हमें ऑयल लगाना है, ताकि इसमें भी हमारा बैटर जो है वो ना चिपके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, लगभग आधे ग्लास से थोड़ा ज़्यादा होगा, और अच्छे से इसको मैंने बीट कर लिया था, और इसमें एक कटोरी चीनी मैं डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग आधी कटोरी ऑयल छोटे कटोरी से। तो अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस। आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची भी पीस कर डाल सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी भी पसंद है तो एक चम्मच कॉफ़ी गर्म पानी में घोलकर डाल दें। तो देखिए, अब मैंने इसमें एक कटोरी मैदा पहले डाल दिया है। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इसको अब हम दोबारा एक कटोरी और मैदा डालेंगे, और इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और हमारे बैटर को तैयार करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब देखिए, मैंने फिर से अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है, और हम इस दूध को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, ये हमारा बैटर कितना स्मूथ तैयार हो चुका है। तो अब देखिए, मैंने एक बर्तन रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसमें हम पहले डाल देंगे नमक, ये मैंने केक बनाते हुए पहले भी यूज़ किया था, और उसी नमक को मैंने रख दिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे स्टैंड, और इसमें ढक्कन डालकर इसको प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब मैंने कुकर लिया है फ्रेंड्स, देखिए मैं कुकर में भी बनाऊंगी। इसमें भी मैंने डाल दिया है नमक, और इसमें भी डाल देंगे एक स्टैंड, और फिर हम इसमें लगा देंगे एक ढक्कन। और हमको ये याद रखना है, कुकर का रबर और सीटी बिल्कुल नहीं लगाना है, इसको निकाल के रखना है। तो देखिए, अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे इनो। पहले से ही हमें नहीं डालना है इनो, जब हमारा कुकर प्री हीट हो जाए तभी हम डाल देंगे। तो देखिए, अब मैंने टिफ़िन में भर दिया है, और अब हम इस छोटू छोटू हमारे कटोरी में भी हमारे बैटर को डाल देंगे। तो देखिए, मैंने डाल दिया है, और इसको पूरा नहीं भरना है हमें, क्योंकि ये केक फूल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा टैप कर लेंगे, और टैप करने के बाद देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े बहुत, मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे तो इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। आपको पसंद नहीं है तो मत डालें, आप टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, और वो भी पसंद नहीं है तो आप प्लेन केक भी इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रेडी है। तो मेरे पास चॉकलेट थे तो मैंने उसको काट के हल्का सा अपने जो कटोरी केक है उसके अंदर डाल दिया है। तो देखिए, अब इसके ऊपर भी मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और चारों कटोरी अब हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए, अब हमारा बर्तन प्री हीट हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा बड़ा वाला टिफ़िन डाल दूंगी, और इसको दोबारा से ढक दूंगी। और अब हम जाएंगे कुकर की तरफ। कुकर में हम अपनी छोटी छोटी कटोरियों को डाल देंगे, और देखिए, इसको डालने के बाद हम इसमें ढक्कन लगा देंगे, और बड़े आराम से लगाइएगा, वरना हाथ भी जल सकता है, क्योंकि हमारा कुकर गर्म है। तो अब इसको मैंने बंद कर दिया है, और अब हम 20 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें टूथपिक डाल के देखूंगी, और अगर कुछ देखिए, हमारा टूथपिक बिल्कुल साफ आ गया है, यानी कि हमारा केक रेडी है। तो अब हम दूसरे वाले बर्तन को भी चेक कर लेंगे। तो मैंने अब इसको भी चेक करना स्टार्ट किया है। तो देखिए, टूथपिक मैं इसमें भी डाल दूंगी, और इसका टूथपिक भी बिल्कुल साफ आ गया है, मतलब हमारे दोनों केक बिल्कुल रेडी है। देखिए, 20 मिनट के अंदर हमारा केक बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा चाकू से इसके किनारों को छू देंगे, और बस मैंने इसको प्लेट के ऊपर पलट के रखा था और थोड़ा सा टैप कर दिया, तो हमारे चारों के चारों छोटू मोटू केक बाहर निकल गए हैं।
तो देखिए चॉकलेट कितना अच्छा चमक रहा है ना इसके अंदर, बच्चे तो देखते ही इसको खाना चाहेंगे। और फ्रेंड्स आप चाहो तो इसमें मैदे की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हो, वो तो सुपर हेल्दी हो जाएगा फिर। तो अब हम इसके पीछे के सारे पेपर हटा देंगे और इसको हमने अब निकाल लिया है, तो अब ये बिल्कुल तैयार है खाने में। और ये बड़ा वाला केक भी देखिए कितना सुंदर बना है और सॉफ्ट भी, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना है, टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स देखिए आप, मैंने चीनी भी इसमें कम डाला था, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरे और भी बहुत सारी वीडियो की लिंक दी हुई है जिसमें मैंने बनाया है बेकरी फूड, स्ट्रीट फूड, आप देख सकते हैं उसमें मैंने वेज रोल की भी वीडियो दी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको सभी के लिंक वहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा केक बिल्कुल तैयार है, खाने में टेस्टी स्वादिष्ट और स्पंजी सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट हमारा केक। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ये झटपट घर पे किसी भी बर्तन में बन जाएगा, कुकर में, कढ़ाई में, पतीले में, बस उसका ढक्कन अच्छा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी तक आपने देखा है तो लाइक दबा कर ही जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।